तो चलिए नमस्कार किसान भाई लोग, छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। दूसरा किस्त मिलने से पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हुआ संशोधन, किसानों के लिए नया गाइडलाइन जारी। जी हाँ, बताएंगे आज के वीडियो में पूरी जानकारी, क्या है नया गाइडलाइन, क्या है नया अपडेट, किसानों के लिए नया गाइडलाइन और नया अपडेट के बारे में, नए पुराने किसानों के पंजीयन के बारे में, वन अधिकार पट्टा के पात्रता के बारे में, संयुक्त खाता धारक के किसानों के बारे में क्या है नया अपडेट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस बार। भाई पूरी खबर के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो का नीचे लाल रंग का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जोर से करके रखिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। जी हाँ किसान भाई लोग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश अनुसार राज्य में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सहजता से पंजीयन और इसका लाभ प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय ने इस योजना की गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है, जिसके अनुसार संयुक्त खातेदारक के कृषकों को पंजीयन के लिए सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा। ये हम आप लोगों को बता दें किसान भाई लोगों को, पहले जो नियम थे संयुक्त खातेदारक यानी कि किसान भाई जिसका नंबरदार एक है और किसान अनेक है, तो उनको क्या करना था, सभी किसानों को सहमति पत्र देना था, अभिलेख भी प्रस्तुत करना था, पर अब उसको सबको खत्म कर दिया गया है। इसके बदले अब किसानों को घोषणा पत्र देना होगा, एक सादे कागज में आप फॉर्मेट बनाकर भी देख सकेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कई किसान भाई हमेशा कमेंट करते रहते हैं पंजीयन के बारे में, जबकि हमने पंजीयन को लेकर कई सारी वीडियो पे बता चुके हैं, फिर भी पूछते रहते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बता दें, अपडेट में पंजीयन के बारे में भी शामिल है। बता दें छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आज जारी संशोधित आदेश के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे किसानों को जिन्होंने खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें किसानों को योजना अंतर्गत पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पिछले वर्ष धान बेचा है और आपने पंजीयन करवाए हैं तो उस स्थिति पर आपको अभी पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रकबे में बदलाव करते हैं या फिर धान के अलावा अन्य फसल लेते हैं तो उस स्थिति में आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कई सारे नए फसलों का एडिशन भी किया गया है, साथ ही वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया है। किसान भाई हम आप लोगों को बता दें, खरीफ की प्रमुख फसल जैसे मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक के किसानों को योजना अंतर्गत पंजीयन कराना है। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह उस रकबे में धान के बदले योजना में सम्मिलित अन्य फसलों को लगाता है तो उसे योजना अंतर्गत पंजीयन कराना होगा, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो पर बताया है। साथ ही संयुक्त खातेदारक के किसानों का पंजीयन नंबरदार के नाम से ही किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में अन्य संबंधित किसानों को स्वघोषणा पत्र देना होगा। संयुक्त खातेदारक किसान सिर्फ स्वघोषणा पत्र ही जमा करेंगे पंजीयन कराते वक्त। आगे बढ़ते हैं वन अधिकार पट्टा के बारे में आपको बता के चलते हैं। इस बार वन अधिकार पट्टा वालों को क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, बहुत सारे किसान भाई लोग हमेशा कमेंट पर पूछते रहते हैं। हम आप लोगों को बता दें किसान भाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टा कृषक पात्र होंगे। या संस्थागत भूधारक, रेघा बटाईदार और लीज खेती करने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। भूस्वामी और वन पट्टा अधिकार कृषक इस योजना के पात्रता होंगे। जो आप लोग कमेंट कर रहे थे वन अधिकार पट्टा को लेकर क्या पात्रता होगा, तो बिल्कुल हाँ पात्रता होंगे, नया अपडेट जारी हुआ है। वहीं इसके विपरीत भूधारक, रेघा बटाईदार, लीज से खेती करने वाले किसान इस योजना की पात्रता नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक के किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपये आदान सहायता राशि दी जाएगी। वहीं 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह किसान बदले में कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है या वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपये के मान से आदान सहायता राशि मिलेगा। अगर किसान वृक्षारोपण करते हैं तो आने वाले 3 साल तक इस योजना का लाभ यानी कि आदान सहायता राशि किसानों को मिलेगा।
10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। तो भाई इस तरह से आ रही है बड़ी खबर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर एक आंशिक संशोधन हुआ है। इसके तहत जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आज के डेट पर जारी हुए हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया। बहुत सारे किसान भाई कॉमेंट कर रहे थे वन अधिकार पट्टा को लेकर, साथ ही नया पुराना किसानों के पंजीयन को लेकर, संयुक्त खाता धारा का उपयोग किसानों की स्थिति को लेकर। तो मुझे लगता है आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। वहीं हम आप लोगों को बताते भाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं जिनका पंजीयन नहीं हुआ है, तो उस स्थिति पर आप 30 सितंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए आप ऑनलाइन भी पंजीयन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी से मिलकर भी आप पंजीयन करवा सकते हैं, या फिर जैसे सुविधा हो आप अपनी नजदीकी कृषि सहकारी समिति से भी जाकर पंजीयन करवा सकते हैं। और किसान भाई लोग, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बहुत सारे वीडियो हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह से इस योजना के तहत किसानों को लाभ मिलता है, पैसे कितने किस्तों में जारी होता है, उसका क्या मापदंड रहता है, किस्तों में क्यों जारी होता है, इस तरह के तमाम बड़े लेटेस्ट अपडेट हमने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताए हैं, जिसका वीडियो का लिंक हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो चलिए भाई लोग, उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।